अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर वाकत के साथ होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका जो टॉपिक है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज हमने रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखना है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि जब हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं तो उस फोटोसिंथेसिस के अंदर डिफरेंट इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक या फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनको मिलाकर हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाया था हमने, जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट बन रही थी। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा, ये प्रीवियस टॉपिक था जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसके अंदर हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई थी। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट जो कंपोनेंट थे, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, उसको हमने डिस्कस किया था। मगर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाई थी और मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन के अंदर या फिर रेस्पिरेशन के अंदर इसी ग्लूकोज की हमने ब्रेक डाउन करवानी है, डीकम्पोजिशन करवानी है। अब ये जो ग्लूकोज की ब्रेकिंग होती है या डीकम्पोजिशन होती है, ये डिफरेंट स्टेप में होती है। इसके अंदर बहुत सारे मरहलात होते हैं, डिफरेंट जो ना स्टेप्स होते हैं, उन सब स्टेप को मिलाकर हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। अब एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, या फिर फर्ज करें ये ग्लूकोज बना हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर, इस ग्लूकोज की हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी के अंदर। एनर्जी के अंदर ऑक्सीजन क्या करेगी, इसकी ब्रेक डाउन करेगी। अब इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर हमने इसी तीनों चीज़ों की फॉर्मेशन करवानी है, हमने इसी रिएक्शन का जो ना, इसी रिएक्शन को डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। हम देखेंगे कौन से स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, किसके अंदर वाटर बन रहा है, किसके अंदर एनर्जी बनी है, यही चीज़ें सारी हमने मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करनी है। अब मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन होता है ये मोस्टली चार स्टेप के अंदर होता है। इसके अंदर चार स्टेप्स होते हैं। जो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। एंड थर्ड स्टेप जो है हमारे पास इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। एंड फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये चार स्टेप होते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन के अंदर। अब जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, इसको हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। अब देखें ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है, एक है ग्लाइको दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, लाइसिस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, दो वर्ड की कॉम्बिनेशन, एक है ग्लाइको इज कॉल्ड ग्लूकोज एंड सेकंड लाइसिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकिंग। द ब्रेकिंग या फिर स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, सही है। अब होता क्या है, हम जब खाना खाते हैं वो हमारा फूड जो होता है वो हमारा चला जाता है स्टोमक के अंदर, किधर चला जाता है, वो हमारी बॉडी के स्टोमक के अंदर चला जाता है। जब ये फूड हमारे स्टोमक में आ जाता है तो उस स्टोमक के अंदर क्या होती है, इसकी जो ना ब्रेकिंग होती है, इस स्टोमक के अंदर इसकी ब्रेकिंग होती है। जब ब्रेकिंग होती है तो इसमें से बनता है ग्लूकोज, तो इसमें से ग्लूकोज बनता है। अब यही ग्लूकोज ब्लड की मदद से, ब्लड क्या करेगा, इस ग्लूकोज को सर्कुलेट करके हमारे बॉडी के एवरी सेल तक लेके जाएगा, हर सेल तक उसको लेके जाएगा। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, मैदे में जाता है, जहाँ पर उसकी क्या होगी, ब्रेकिंग होगी या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, फिर उसमें से ग्लूकोज निकलेगा। ग्लूकोज हमारा ब्लड उसको लेके जाएगा हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर। जब भी हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी। फिर उसके अंदर ये डिफरेंट ग्लाइकोलाइसिस, फॉर्मेशन एसिटाइल कोए, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे प्रोसेस हमारे इसी सेल के अंदर होने हैं। अब होता क्या है, फ़र्ज करें ये हमारी बॉडी का एक सेल है, और सेल का ये वाला जो रीजन है, इस रीजन का नाम है साइटोप्लाज्म, अब ये ग्लूकोज हमारे इस सेल के अंदर आ गया है,
अब हम जब रेस्पायर करते हैं, हम जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन बाहर से हमारे बॉडी के सेल के अंदर आ जाती है। जब ये हमारे सेल के अंदर आएगी तो ये क्या करेगी, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगी, इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगी। तो होता क्या है, जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो इसमें से क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बनेंगे। इसके अलावा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर एडीपी होती है एंड एनएडी होता है। अब होता क्या है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन ब्रेकडाउन कर रहा था उसी वक्त ये जो एडीपी होती है ये रिड्यूस होकर एडीपी के एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो एनएडी होता है ये एनएडीएच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मदद से, जिसमें दो मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बनते हैं, प्लस जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर एटीपी होती है और एनएपी एनएडीपी होती है उनके अंदर रिडक्शन होती है। एटीपी जो होती है वो रिड्यूस होकर एटीपी बनाती है, और एनएडीपी जो होती है ये रिड्यूस होकर एनएडीएच बनाती है। इसको अगर हम केमिकल जो ना रिएक्शन फॉर्म में देखें तो होता क्या है, एक्चुअल में जो ग्लूकोज हमने खाया हुआ है, जो हमने ग्लूकोज खाया हुआ है, उस ग्लूकोज की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है ऑक्सीजन की मदद से। इसी सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एडीपी होता है, एनएडीपी होता है। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगी। जब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, पाइरूविक एसिड के बनेंगे, पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये जो एडीपी है ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, किसके अंदर, एटीपी के अंदर, और ये जो एनएडी है वो NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास मोस्टली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है जिसके अंदर ग्लूकोज पाइरूविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन जो है, अब होता क्या है, ये जो हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा ये सारा प्रोसेस हमारे पास कहाँ पर हुआ है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए जो है ना, ये जो हमारा प्रोसेस है या फिर हमारी जो क्रेब साइकिल जो हमारा थर्ड स्टेप है, ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है। हमारे सेल के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब उसके अंदर ये हमारा एसिटाइल कोए या फिर क्रेब साइकिल होना है। अब होता क्या है, अब इस प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पाइरूविक एसिड बना है ना, अब ये पाइरूविक एसिड यहाँ से मूव करके किधर जाएगा, ये हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, इधर जाएगा ये हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, अब यहाँ से ये मूव करके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसको मूव कौन कराएगा, इसको मूव कराने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम COA, जिसे हम को एंजाइम ए बोलते हैं, को एंजाइम ए बोलते हैं। अभी को एंजाइम ए क्या करेगा, इस पाइरूविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसपोर्ट करके जाएगा। अब मसला ये कि ये जो कोएंजाइम ए है ये हमेशा दो कार्बन वाले कंपाउंड को मूव करवाता है, जबकि हमारे पास ये जो पाइरूविक एसिड बना है ये हमारे पास तीन कार्बन वाला कंपाउंड है, ये हमारे पास तीन कार्बन वाला कंपाउंड है। अब क्या होता है, जब ये पाइरूविक एसिड यहाँ से मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो यहाँ से एक कार्बन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बाकी जो पीछे दो कार्बन बचेंगे पाइरूविक एसिड के वो यहाँ से मूव करके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये यहाँ से मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएंगे तो ये जो पाइरूविक एसिड है कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, एसिटाइल कोए के अंदर होता क्या है, जो पाइरूविक एसिड हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनाए थे ना थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये ट्रांसपोर्ट करके जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन लेके जाएगा, कोएंजाइम ए लेके जाएगा। जब कोएंजाइम ए इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बाकी दो कार्बन जो बचेंगे वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करके आएंगे। जब ये यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करके आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, एसिटाइल COA के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिटाइल कोए के अंदर, मगर उनमें से एक जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास एसिटाइल कोए कहाँ पर पहुँच गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच गया है, मतलब कि एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन हो गई। अब थर्ड जो स्टेप है हमारे पास दैट इज द क्रेब साइकिल, थर्ड जो स्टेप है हमारे पास दैट इज द क्रेब साइकिल। अब ये क्रेब साइकिल कहाँ पर होगी, यही माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब होता क्या है, अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पहुँच गया है, एसिटाइल कोए पहुँच गया है, एसिटाइल कोए पहुँच गया है, प्लस इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास जो है ना एडीपी होता है, प्लस एनएडी होता है, प्लस एफएडी होता है।
हमारे पास एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, निकोटीन अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, और फेमिनिडाइन अमाइन डाई न्यूक्लियोटाइड भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर इनकी जो है ना एटीपी एनएडी एफएडी की क्रेब साइकिल के अंदर क्या होगी, यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन का मतलब क्या है कि अब ये जो है ना जो एडीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर, और जो एनएडी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो FAD है ये FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास एसिटाइल को ए जो हमारे पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास ADP होता है, NAD होता है, FAD होता है, और इन तीनों की यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहाँ पर इन तीनों की क्या होगी, रिडक्शन होगी। जब ये रिड्यूस होंगे तो ये क्या ऑक्सीजन को गेन करेंगे, तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाएंगे, एटीपी एनएडीएच2 बनाएंगे, एफएडीएच2 बनाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ईटीसी लिखते हैं, वैसे हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब क्या होता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास जो एनएडीएच2 एंड एफएडीएच2 और एटीपी जो हमारे पास बना हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दोबारा इसकी क्या होगी, इसकी जो ना ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। कैसे, जो हमारे पास एटीपी बना है, एटीपी एनएडीएच2 प्लस एफएडीएच2, इनकी क्या होगी, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये अब क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को गेन करना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन का लॉस करना। अब ये क्या करेंगे, अपने अपने हाइड्रोजन लॉस कर देंगे, तो एटीपी जो है ना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस एनएडीएच2 जो है ये हमारे पास दोबारा एनएडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हमारे पास जो एफएडी है ये दोबारा हमारे पास एफएडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या रिलीज होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, यहाँ से क्या रिलीज होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब होता क्या है, हमारे सेल के अंदर हाफ मॉलिक्यूल जो है ना ऑक्सीजन का पड़ा हुआ होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का पड़ा हुआ होता है। अब ये जो स्टेप होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला, ये बार बार होता रहता है, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास बार बार बहुत सारे बन रहे होते हैं, तो हमारे सेल के अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का पड़ा हुआ होता है, प्लस यही हाइड्रोजन आके इसे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, यही हाइड्रोजन आके जब हाफ मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, सही है। अब इधर देखें हमने क्या क्या बनाना था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाना था, जो हमारे पास यहाँ पर बन गया था, यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन गया था। अब हमें वाटर बनाना था, जो हमारे पास यहाँ पर बन गया था। अब हमारा एनर्जी बनानी थी, जो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।